भारत की परेशानी बढ़ा रही यूक्रेन में रूसी हथियारों की नाकामी। इंडियन एयरफोर्स ने उठाया बड़ा कदम। पाकिस्तानी हवाई हमले से टेंशन में आया अफगानिस्तान। भारतीय चीतल की शरण में तालिबान। दोस्तों, फरवरी महीने की 24 तारीख को यानी आज से ठीक दो महीने पहले यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, और अभी तक यूक्रेन युद्ध में विजयी कौन होगा कहा नहीं जा सकता। ये स्थिति तब है जब रूस की सेना दावा करती थी कि यूक्रेनी सेना की औकात कुछ नहीं है और लड़ाई ज्यादा से ज्यादा 5 दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन यूक्रेन रूसी हथियारों के लिए कब्रगाह बन चुका है और यूक्रेनी सेना ने रूसी हथियारों की दुर्गति मचा दी है। लिहाजा यूक्रेन युद्ध से भारत सबक सीख रहा है, क्योंकि भारत के पास करीब 60% रूसी हथियार हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से क्या सबक सीखा जा सकता है, जहां एंटी टैंक मिसाइल ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है और रूसी हेलीकॉप्टर के लिए विनाशकारी साबित हुई है। लिहाजा भारतीय वायुसेना अपने रूसी मूल के हेलीकॉप्टर को अलग अलग क्षमताओं से लैस करने में जुट गई है, ताकि युद्ध के मैदान में उसका हाल भी रूसी हेलीकॉप्टर जैसा ही न हो जाए। लिहाजा इंडियन फोर्स अब अपने हेलीकॉप्टर में इसराइल से खरीदे गए नॉन लाइन ऑफ साइट AGTM को फिट कर रही है, जो जमीनी लक्ष्यों को 30 किलोमीटर तक की दूरी से ही मार सकता है। यूक्रेन युद्ध में देखा जा रहा है कि यूक्रेनी सेना एंटी टैंक मिसाइल से पलक झपकते ही रूसी हेलीकॉप्टर्स को मार गिरा रही है। लिहाजा इंडियन एयरफोर्स की कोशिश ये है कि आसमान में 30 किलोमीटर की दूरी से ही ऐसे टैंकों को तबाह कर दिए जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया है, इजरायली स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रूसी मूल के MI-17V5 हेलीकॉप्टर के बेड़े में फिट किया जा रहा है, जो लंबी दूरी से लक्ष्य को मार सकता है और संघर्ष के समय दुश्मन के बख्तरबंद तोपों और टैंकों के खिलाफ बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रिपोर्ट से पता चला है कि यूक्रेनी बलों ने रूसी बख्तरबंद स्तंभ के खिलाफ पश्चिमी यूरोपीय देशों और अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। वहीं तुर्की से मिले ड्रोन ने भी भारी संख्या में रूसी हथियारों को तबाह किया है, और ये आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के बाद से दूसरा मौका है जब रूसी हथियार इतनी ज्यादा संख्या में धराशाही हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने लगभग 2 साल पहले इन मिसाइलों में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया था, जब चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के सामने LEC के पास बड़ी संख्या में टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू विमान को तैनात किया था। पहले केवल वेस्टर्न थिएटर को टैंक युद्ध के लिए अनुकूल माना जाता था, लेकिन अब पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर ये टैंक बड़े पैमाने पर युद्ध के मैदान में लाए जाएंगे। सूत्रों ने कहा, स्पाइक NLOS AGTM को फिलहाल सीमित संख्या में ऑर्डर किया गया है, और भारत सरकार की कोशिश अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम के जरिए इन मिसाइलों का निर्माण भारत में ही करने की है, ताकि अपनी जरूरत के हिसाब से इन मिसाइलों का निर्माण किया जा सके। सूत्रों ने कहा है कि एयर लॉन्च किए गए NLOS AGTM संघर्ष के दौरान जमीनी ठिकानों पर काफी ऊंचाई से हमले कर सकते हैं और दुश्मन के टैंक रेजिमेंट को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। भारतीय सेना और वायुसेना दोनों ने 2 साल पहले चीनियों द्वारा दिखाए गए आक्रामकता के कारण देश के सामने आने वाले खतरे को देखते हुए भारतीय और विदेशी दोनों हथियारों के माध्यम से अपने शस्त्रागार को काफी मजबूत किया है। यूक्रेन युद्ध से पहले दिलचस्प बात यह है, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 2 साल पहले हुए जंग में आर्मेनिया की सेना को बुरी तरीके से हार मिली थी, और आर्मेनिया को भी हथियारों की सप्लाई रूस ही करता है। युद्ध में अजरबैजान ने आर्मेनिया के हथियार को बुरी तरीके से ध्वस्त किया था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि आर्मेनिया की सेना को जहां रूस से ही सैन्य सामानों की सप्लाई की थी, वहीं अजरबैजान की सेना को रूस के साथ साथ इसराइल और तुर्की से भी हथियारों की सप्लाई हो रही थी। लिहाजा आर्मेनिया की हार की जिम्मेदारी लेने से रूस बच गया था, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि अजरबैजान की हाइब्रिड फोर्स ने आर्मेनिया के हथियारों को किस तरीके से नस्तनाबूद कर दिया था। नागोर्नो कारबाख की जंग में तुर्की और इसराइल के दिए हुए हथियार ने आर्मेनिया के रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ रूसी रडार और मिसाइल लॉन्च को ध्वस्त कर दिया था। लिहाजा इजरायली और तुर्की के हथियार के सामने रूसी हथियारों की बड़ी कमजोरी का खुलासा हो गया। बावजूद इसके यूक्रेन में आक्रमण करने से पहले रूस ने सबक नहीं सीखा और रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सिर्फ थल सेना या फिर नौसेना ही नहीं, भारतीय वायुसेना भी बहुत हद तक रूस पर ही निर्भर है। साल 2020 में जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में स्थिति काफी तनावपूर्ण थी, उस वक्त भारत सरकार ने रूस के साथ 18,148 करोड़ रुपए में 12 सुखोई 30 विमान और 21 MiG-29 लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी थी। इंडियन एयरफोर्स के लिए सुखोई और मिग लड़ाकू विमान काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि पिछले महीने अमेरिका ने दावा किया था कि भारत ने रूस से MiG-29 खरीदने का करार रद्द कर दिया है, वहीं अब माना जा रहा है कि भारत की कोशिश ज्यादा से ज्यादा संख्या में हथियार भारत में ही बनाने की है, ताकि किसी एक देश पर अपनी निर्भरता को पूरी तरीके से खत्म किया जाए और भविष्य में भारत भी हथियारों का निर्यातक देश बन सके। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के डुरंड लाइन के पास फाइटर जेट
और हेलीकॉप्टर के जोरदार हमले से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टेंशन में आ गई है। तालिबान ने अब पाकिस्तानी सेना से निपटने के लिए अपनी वायुसेना को मजबूत करना शुरू कर दिया है। तालिबान ने इसके लिए भारत के चीतल हेलीकॉप्टरों पर दाव लगाया है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसने भारत की ओर से अशरफ गनी सरकार को दिए गए चीतल हेलीकॉप्टरों की मरम्मत करके उसे ठीक किया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्ला ने रविवार को कहा कि अन्य हेलीकॉप्टर को ठीक करने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 60 एयरक्राफ्ट हैं, उन्हें इंजीनियर और अन्य कर्मचारी रिपेयर कर रहे हैं। इससे पहले तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि 80 से 40 हेलीकॉप्टर तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहे हैं और ये ज्यादातर पूर्व अफगान सरकार के पतन के बाद हुआ है। एक अफगान पायलट कर्नल मोहम्मद नईम ने कहा, चीता हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से टूट गया था, इसका एवियोनिक्स टूटा हुआ था, हमने उसे ठीक किया है और वे अब उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। तालिबानी सेना के पूर्व अधिकारियों का कहना है, अफगान वायुसेना को मजबूत किया जाना चाहिए जो देश के लिए महत्वपूर्ण है। एक पूर्व सैन्य अधिकारी असदुल्ला नईम ने कहा, अफगानिस्तान के लिए एयरफोर्स एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम एयरफोर्स के बिना विदेशियों के हमले से अपने देश की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद अफगान एयरफोर्स को बहुत नुकसान हुआ। यही नहीं, पूर्व अफगान सेना के पायलट करीब 60 हेलीकॉप्टर पड़ोस देशों में उड़ाकर ले गए थे। तालिबान सरकार पड़ोसी देशों से इन हेलीकॉप्टर और विमान को मांग रहा है। तालिबान ने अपनी वायुसेना को ऐसे समय पर मजबूत करना शुरू किया जब पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट अफगान जनता पर बम बरसा रहे हैं। पाकिस्तानी हमले में पिछले दिनों 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री और मुल्ला उमर के बेटे ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। भारत ने अशरफ गनी की सरकार रहने के दौरान अफगानिस्तान की सरकार को चीतल हेलीकॉप्टर दिए थे। चीतल चीता हेलीकॉप्टर का एक संस्करण है। इस हेलीकॉप्टर को सियाचिन और चीनी सीमा के पहाड़ी इलाके में उड़ान भरने के लिए विशेष रूप से भारत ने बनाया था। ये चीतल हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के पहाड़ी और गर्म इलाके में उड़ान भरने के लिए बेहद कारगर है। ये हेलीकॉप्टर तेजी से ऊंचाई वाले इलाके में उड़ान भरता है और लंबी दूरी तक जाने में सक्षम है। ये अपने साथ 90 किलो पेलोड ले जा सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।